हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस और बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है तो अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा लास्ट क्लासेस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पहले इंट्रोडक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ठीक है हमने कर लिया था उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही बनता है तो हम आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं ठीक है तो आप लोग सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तभी आपको नोट्स बन पाएंगे प्रॉपर है ना क्योंकि खुद से बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो आज के लिए हम हेडिंग लगा लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट रिएक्शन रेट ठीक है या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रेट के रिएक्शन uh, के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं रेट मतलब समझ लो ना उसके होने की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं अफेक्ट करना मतलब बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं ठीक है तो चलिए तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं तो पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से यहां पर है और उसके बाद आप लोग भी ऐसे नोट कर लेंगे देन उसके बाद हम वन बाय वन सबको पढ़ने वाले हैं ठीक है तो पहला टॉपिक हमारा जैसा है नेचर ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला टॉपिक है हमारा ठीक है तो पहले वन बाय वन आ, फिर सॉरी पहले आप सबके सब नोट कर लीजिए देन उसके बाद हम इनको डिटेल में इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ठीक है चलिए तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट दूसरा हमारा है जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ट्रेशन ऑफ रिएक्टें ठीक है थर्ड वन हो सकता है हमारा जैसे कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन या खाली टेम्परेचर लिख लीजिए ठीक है टेम्परेचर हो सकता है हमारा उसके बाद फिर हमारा हो सकता है क्या टेम्परेचर फोर्थ वन इज मे बी हो सकता है क्या कैटलिस्ट ठीक है? कैटलिस्ट समझते ना आप लोग करता है obvious. ये तो तुमने बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ लिया होगा मे बी ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लंप फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है या जैसे भी है तो साइज पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है पर ठीक है उस पर भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है रिएक्शन में हम इसको जनरली कंसिडर करते हैं पार्टिकल्स एरिया है, भी बोल सकते हैं सरफेस एरिया ठीक है तो पार्टिकल साइज का मतलब सरफेस एरिया पार्टिकल साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा ठीक है वो अभी देखते हैं हम लोग ओके देन हमारा सिक्स फैक्टर आता है जैसे क्या रेडिएशन uh, लाइट रेडिएशन जिसे बोलते हो आप क्या लाइट रेडिएशन लाइट रेडिएशन ठीक है तो देखिए इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और अब हम इनको क्या करेंगे वन बाय वन इन सबको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके साथ फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है ठीक है चलिए एक और आ, है जिसको मैं भूल गया प्रेशर क्या प्रेशर ठीक है तो प्रेशर में भी डिपेंड करता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा ओके तो आप इन सबको वन बाय वन नोट कर लीजिए उसके बाद में आपको अब आप इनको डिटेल में वो एक एक करके हम सबको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ठीक है तो मैं इसको हटा रहा हूं और पहली हेडिंग लगा रहा हूं कौन सी नेचर ऑफ रिएक्टेंट ओके बच्चों नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे अलग से मेरे पास पीडीएफ नहीं है ठीक है और नोट्स के चक्कर में ही मैं आपके लिए इतना थ्योरी लिखता हूँ अदरवाइज जरूरत नहीं है खाली समझा के भी काम चल सकता था बट बीएससी में क्या है नोट्स की जरूरत पड़ती है थ्योरिटिकल एग्जाम है तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखिए तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ उसके बाद मैं लिख दूंगा और आप लोग फिर उसके बाद नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जैसा भी आपको सही लगेगा ओके तो नेचर ऑफ रिएक्ट मीन जैसे सपोज आपने एक रिएक्शन पढ़ी है बच्चों ठीक है जैसे क्या हमने कोई आयनिक रिएक्शन पढ़ी है सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं कौन सी NaOH plus HCl प्लस एच सी एल एन एंड एच ठीक है आपको पता है कि सर ये आयनिक रिएक्शन है आयंस के बीच में होती है और आपको पता है जो आयंस होते हैं ना बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं

इसमें तो क्या है इसके बॉन्ड्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं में है में होते होते हैं हैं like OH तो हैं है है ना ना इस तरीके से से तो बाइंड रहते हैं, हैं बट बहुत ही जल्दी ब्रेक भी हो जाते हैं तो यहाँ पर एक लंबा प्रोसीजर नहीं है कि पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे देन उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा फिर उसका नए बॉन्ड्स बनेंगे तो एक लंबा प्रोसीजर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासतौर पर समझ में आया तो इसके लिए और इसका, इसका हम कर लेते हैं किसके वाले के, है? है? के बीच में हो रही है ये कोल एंड बॉन्ड वाली रिएक्शन है, है ना समझ माली बात तो ये क्या है ये इतना टाइम टेकिंग रिएक्शन है और इवन अगर मैं इसमें कैटलिस्ट को ऐड ना करूं तब तो इसका टाइम जो है बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है इसमें कैटलिस्ट और

ठीक है क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ना थ्योरी की आपको एग्जाम में थ्योरिटिकल है तो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे क्या लिखा है देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है है लिखा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म सही बात है जब केमिकल रिएक्शन हो तो क्या होगा पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स क्या होंगे बनेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स अफेक्ट रिएक्शन रेट ऑब्वियस सी बात है जो बॉन्ड सबसे पहले स्टेप में ब्रेक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी हो कितने है? अगर तो सी बात है, वो में टूटेंगे तो अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा है ना फिर लिखा देखो आर वेरी फास्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम एन टू एंड एच टू इज वेरी स्लो इन ऑबसेंस ऑफ अ कैटलिस्ट यस yes, यही बात आपको मैंने समझाई थी एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो क्या कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करते हैं मैंने अभी लिखा भी था यहां पर एन ओ एच और प्लस एच सी एल क्या हो रहा है बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं बताइए एन एंड प्लस

ठीक है अगर आप इसे कैटलेस डाल देते हो तो फिर तो ये रिएक्शन बहुत स्पीड स्पीड से नहीं होती है फिर उसके डालने के बावजूद भी इसको बीट नहीं कर पाती है है ना तो यहां पर का रिएक्टेंट का नेचर अलग है यहाँ पे कोविलेंट बॉन्ड वाले रिएक्टेंट है जबकि यहां पे आयनिक बॉन्ड वाले रिएक्टेंट है तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो क्या आयनिक बॉन्ड्स है तो वेरी फास्ट यस और ये वाली क्या होती है वेरी स्लो रिएक्शन है ठीक है वेरी Slow reaction. Yes? Clear हुआ? समझ में आई बोलो तो ये हमारे इस तरीके से डिपेंड करता है किस पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बच्चों बच्चों आप लोग इसको नोट भी करते रहेंगे मैं फिर कह रहा हूं आपसे क्योंकि बगैर नोट्स बनाए आपका काम नहीं चलने वाला है ठीक है चलिए अब हेड निकालेंगे दूसरी वाली कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टें यस अब आप मुझे बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंड पे कैसे डिपेंड करेगा है रिएक्टेंड uh, के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लो होता जाएगा तो कम होता जाएगा डिक्रीज होता तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा इट आप बोल सकते हो इसको क्या तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्सन होता है किसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ये लीजिए ठीक है आप इसको नोट करिए और फिर मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ और आप इसको फिर नोट कर लेंगे ओके क्लियर है ना ठीक है तो चलिए इसको हटाता हूं थ्योरी लिख देता हूं ठीक है देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ट्वेल्थ में भी देखा होगा आपने इसी चैप्टर में तो लिखा एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, द रिएक्शन रेट आर प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या मतलब रेट ऑफ यस रिएक्टेंट्स के ठीक है तो क्या मतलब है इस बात का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक <laughs> है इसको तो हम लोग अभी वैसे ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है देखिए क्या मतलब इस बात का अब इसको आप कैसे समझेंगे सिंपल सी बात है आपको पता है जो रिएक्शन होती है तो उसको आपस में जब मोलिकुलर कोलिजन होते हैं रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं आपस में कोलिजन होते हैं टकराते है, दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तभी वो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं या आप कह सकते हो तभी वो रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं सही है अब देखिए क्या होगा लेट सपोज हमारे पास एक बीकर है इसके अंदर हमारे पास ए प्लस बी मॉलिक्यूल्स हैं जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो क्या होगा इनके आपस में कोलाइड करने की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों ज्यादा हो जाएगी यस yes? है ना जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे एक दूसरे के क्या क्या करेंगे कोलाइड करेंगे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी या कम है शुरू से ही तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा क्योंकि इनके कोलिजन की जो प्रॉबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ किससे देखिए आपको पता है रस्टिंग रस्टिंग एक प्रोसेस है है ना किस कब होती है आपने कभी एक चीज नोटिस किया अगर जैसे अभी मैं आज जो भी क्लास ले रहा हूँ अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है तो बाहर काफी गर्मी है है ना तो लेट अस सपोज मेरे पास एक पीस ऑफ मेटल है एक लोहे का टुकड़ा है और मैं क्या कर रहा हूं इसको ऐसे बाहर या कहीं छोड़ दे रहा हूं तो इसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी ऑफकोर्स आप जानते हो और अगर सेम साइज ऑफ पीस ऑफ मेटल को मैं रेनी सीजन में बाहर छोड़ दू मतलब बरसात के दिनों में बाहर छोड़ दूँ है ना ऐसी सेम जगह रख दूं तो क्या होगा वहां पर रस्टिंग हो जाएगी ठीक yes? है अब आप मुझे सोच के बताइए कि कौन से वाला सीजन रस्टिंग को प्रमोट करेगा मतलब किस सीजन में रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होगी या रस्टिंग ज्यादा होगी यस yes. चलिए आप सोच के बताइए मुझे तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर बरसात का जो मौसम होता है मतलब रेनी सीजन जो होता है उसमें किसी भी चीज में ना रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होती है क्यों होती है एक्चुअली में रस्ट कैसे हो रहा है बताइए सराउंडिंग में जो मॉइस्चर uh, है एच टूओ मोलिक्यूल है उससे तो रिएक्ट करता है इसकी अपर सरफेस तभी तो रस्टिंग होती है अब आप ये हिसाब लगाइए कि गर्मी के दिनों में सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे या फिर बरसात के दिनों में कहोगे सर बरसात के दिनों में रेनी सीजन में क्योंकि बरसात होती है चारों तरफ ह्यूमिडिटी हाई होती है है ना तो उस टाइम पे जो रस्टिंग प्रोसेस है होती है ज्यादा होती बिकॉज उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस सीजन जो अभी चल रहा है मतलब गर्मी का सीजन समझ में आया बात नहीं आया तो आपको समझ में आया देखा जैसे आपने क्या देखा कि रिएक्टिंग स्पीड सॉरी क्या ह्यूमिडिटी हाई है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो रस्टिंग की प्रोसेस क्या हो रही है फास्ट हो रही है और उसी का कंपैरिजन करें गर्मी के दिनों से आजकल के दिनों से तो रस्टिंग प्रोसेस स्लो हो रही है बिकॉज क्या है ह्यूमिडिटी बहुत कम है ड्राईनेस है हर जगह तो इसलिए पर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे हैं उसको रिएक्ट करने के लिए समझ में आया तो कैसे देखा रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है क्लियर है ना बोलो समझ में आया तो आपको क्या समझ में आया इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कोलिजंस नंबर ऑफ कोलिजंस भी इंक्रीज होंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजंस भी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है इसको भी आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं क्लियर है आगे बढ़ ठीक है अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा चलिए अब ऐसा करते हैं एक नया टॉपिक देखते हैं फिर से एक नई चीज देखते हैं कि अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ठीक है तो अब आप इसको हटाइए और लगा लीजिए बच्चों क्या टेम्परेचर देखो बच्चों ठीक है तो टेम्परेचर का डायरेक्टन कैसे हो रहा है ध्यान से सुनो एक्चुअली आपको पता है पहले क्या होगा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे देन नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो क्या है एक हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब आपको उसमें एनर्जी चाहिए तभी तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे अब वो एनर्जी चाहे कोलिजन के थ्रू मिल रही हो है ना तो ठीक है उन्हें ज्यादा कोलाइट करना पड़ेगा और अगर आप पूरे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी क्या होगी एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की कैटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे कोलिजन नंबर के बढ़ जाएंगे तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा तो देखो क्या लिखा है हमने जनरली देखा है मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात तो कर ही रहा हूं फिलहाल वैसे जनरल टर्म्स में भी बात कर रहा हूं इट हैज हैजिन फाउंड दैट फॉर एवरी टेन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल

टलिस द रियक्शन रेट कैन बी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस कैटलिस्ट ठीक है तो सम केमिकल सब्सटेंस कैटलिस्ट क्या हो उसको हम कैटलिस कहते हैं एक्चुअली में तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं लेकिन एक कैटलिस की खास बात होती है बच्चों वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है मतलब आपको प्रोडक्ट में वो नहीं देखने को मिलेगा वो सिर्फ रिएक्शन के होने में हेल्प करता है मीडियम प्रोवाइड चाहे वो कैसे भी हेल्प करे उसके बहुत सारी थ्योरीज हैं जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो फिर उस टाइम देखेंगे तो बस आपको अभी पता होना चाहिए कि से करता है इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कभी कभी वो डिक्रीज भी कर सकता है तो हम उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते हैं उसको सब डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअली पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं सब्सटेंस दोज क्या करें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं बट इन जनरल हम लोग कैटलिस्ट वर्ड जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ठीक है तो लिखा है विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप क्या इसी एग्जाम्पल लेते हैं एन टू प्लस थ्री एच टू ट्वाइस ऑफ एन एच थ्री आप इस रिएक्शन को करिए ना विदाउट कैटलिस्ट बहुत टाइम लगा देगी ठीक है लेकिन आप जैसे ही इसमें एफी प्रोवाइड e कर देंगे एफी e डाल देंगे तो क्या कर देगी ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन एकदम बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा फास्ट थोड़ा क्या अच्छा खासा टाइम मतलब फास्ट हो जाएगी बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा इसका समझ में आई बात नहीं आई ठीक है तो कैटलिस्ट की बहुत बड़ा रोल है अब आप सोचो के काम कैसे करता है एक्चुअली मैं इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है मैं आपको एक छोटा सा सी एग्जाम्पल देता हूँ दो बच्चों क्या होता है ना जब रेट जब किसी रिएक्शन को होना होता है उनके बीच में कोलिजन होते हैं पहले, स्टेप होता है। मतलब पहले जैसे कहां से आ रही है, से आ रही है? है ना तो हो सकता है आपको इतना यहां तक की एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्शन के बॉन्ड टूटेंगे तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये क्या है एक उसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वहां की एनर्जी है इसके बीच की आप क्या बोलते हो

नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे जो इस, इस का कर सकते हैं, तो रेट ऑफ में आया तो अच्छी बात है नहीं आया तो छोड़ो कोई बात नहीं वैसे में में से पूरा चुका हूं, ठीक है आपका काम चल जाएगा ठीक है समझ में आया तो कैटलिस कैसे डिपेंड करता है कैटलिस uh, अफेक्ट कैसे करता है कैटलिस हो जाता है बढ़ जाता है बाकी डिटेलिंग उसकी में देखेंगे जब हमें पूरा टॉपिक पढ़ना होगा इट क्लियर ना चलिए नेक्स्ट हेड लगाएंगे बच्चों पार्टिकल साइज इसको मैं हटा देता हूं अब आप हेड लगा लेंगे क्या पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज वाला जो फैक्टर है ना बच्चों ठीक है ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो होती है ना उसपे ज्यादा देखा जाएगा ठीक है इन इनहेट्रोजीनियस रिएक्शन चलिए कोई नहीं तो क्या होगा पार्टिकल साइज देखिए मैं बताता हूं आपको लेटेस्ट सपोज हमारे पास एक ये है दो सेम साइज के पार्टिकल्स है एक्चुअली मान रिएक्टेंट है और जो दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है तो वो क्या है वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके आपस में क्या करते हैं इसके सरफेस में अः एब्जॉर्व होते हैं फिर इससे रिएक्ट करते हैं है ना फ्री सरफेस में अब बाय चांस अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अगर मैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दू इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दू, तो क्या होगा? Time, मेरे पास एक में जैसे मैं आपको यहाँ पर हूँ ठीक है अभी तो हम ऑनलाइन यूट्यूब में हैं लेकिन जैसे सपोज मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ रोज क्लास में अपनी तो मैं क्या देखता हूँ सपोज मैंने क्या करा है आ, बहुत बड़ी बड़ी बेंचेस लगा रखी है टेबल लगा रखी है ठीक है और मैं यहाँ पर बैठा हूं और ज्यादा बच्चे मुझे ऐसे चारों तरफ से मेरे बैठे हुए हैं है ना तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं जिससे क्या हो मैं एक ही साथ ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो पाऊं कैसे उनका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा कर दूं है ना उनको छोटी साइज के टेबल्स में बैठा दूं तो क्या होगा मैं ज्यादा बच्चों से एट द सेम टाइम इंटरेक्ट कर पाऊंगा समझ में आ रही बात तो वैसे यहां पर हो रहा है अब इसका सर्विस एरिया कम है

ये वाला सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा और यहाँ ये वाला सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा यस सिमिलरली दूसरे साइड से देखो यहां से बढ़ गया सर्फेस एरिया यहां से भी सर्फेस एरिया बढ़ गया यहां से भी सर्फेस एरिया बढ़ गया तो आपने एक चीज देखी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को स्पीशीज को लंप फॉर्म में डालते हो लंप समझते हो ना ऐसे बड़े एग्रीगेट फॉर्म जो होती है तो उसे लंप फॉर्म बोलते हैं चिपकी हुई बड़ी अवस्था है क्या बोल सकते हैं ऐसे मतलब चिपकी हुई अवस्था जो है इकट्ठे मोलिक्यूल जो है ठीक है अब उससे बेटर यह है कि आप उसको ऐसे क्रश कर क्रश करके कर डाल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाकर डाल दो साइज छोटे छोटे कर दीजिए तो क्या होगा उसका जो फ्री सरफेस एरिया है जो कि रिएक्शन करता है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है और उसके सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होंगे उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर पाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा समझ में आई बात नहीं आई मुझे बताइए तो क्या करना है आपको सरफेस एरिया को जनरली बढ़ा देना है और उससे क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग हो क्या होंगे अचानक से बढ़ जाएंगे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो चलिए मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं फिर आप लोग से अपने नोटबुक में कर लेंगे देखिए तो हमने क्या लिखा पार्टिकल साइज पर कैसे डिपेंड कर रहा है लिखा है इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन वेयर रिएक्शन टेकन प्लेस एट सरफेस बाउंड्री बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है ऐसी रिएक्शन जो सरफेस की बाउंड्री पे हो मतलब समझ रहे हो बात को सरफेस फ्री सरफेस पे हो अवेलेबल सरफेस एरिया पे हो तो लिखा है द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया यस तो रिएक्शन रेट क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा लिख अब कैसे होता है देखो लिखा है व्हेन गिवन मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइज अगर मैं जो भी मेरा सॉलिड सब्सटेंस है जिस पे रिएक्शन होने वाली है उसे क्या कर दू डिड कर दू किस पे स्मॉल साइज पे छोटे छोटे साइज पे डिवाइड uh, कर देन द ऑफ न्यूली पार्टिकल्स इन टोटल सर्फेस एरिया इज इंक्रीज तो क्या होगा सरफेस जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में से ब्रेक करूंगा तो क्या होगा फ्री सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा दिस अलाउज ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन स्मॉलर पार्टिकल्स एंड अदर रिएक्टिंग स्पीशीज लाइक गैस एंड लिक्विड तो क्या होगा अब जैसे यहां देखिए ये यह बड़ा था. क्या कर कर रहे रहे हैं? The same time react कर पा रहे हैं. पा अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या कर दूं, ऐसे चेन तोड़ दूं बीच में से इसमें ऐसे-ऐसे करके न, कट कर दूं तो क्या होगा फ्री सरफेस एरिया बढ़ जाएगा यहां वाला सरफेस एरिया बढ़ गया ये दिखाई पड़ा ना इस तरीके से तो ये सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा एट द सेम टाइम आप ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इससे क्या कर पाएंगी इंटरेक्ट कर पाएंगी और जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगी क्लियर हुआ तो आपको क्या समझ में आया जो रेट है रिएक्शन का और डायरेक्टली प्रपोजन है किसके सरफेस एरिया के ये लीजिए तो कंक्लूजन इज दैट इसको आप लोग नोट करेंगे क्लियर हुआ बोलो यार ठीक है एक और पार्ट आ, हाँ ठीक है इसके बाद हम लोग और एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्या रेडिएशन ठीक है लाइट रेडिएशन जिसे हम बोलते हैं देखो बच्चों तो रेडिएशन पे कैसे डिपेंड करता है कैसे अफेक्ट करता है रेडिएशन किसको रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखा हमने रेडियंट एनर्जी में ऑल्सो भी इंक्रीज द रिएक्शन रेट ठीक है रेडियंट एनर्जी लाइक समझ रहे ना क्या

समझ में आई बात नहीं आई तो आपको क्या समझ में आ रहा है जो रेडियंट एनर्जी है या रेडिएशन है क्या है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रेडिएशन के रेडिएशन कह लीजिए या फिर आ, क्या रेडियंट एनर्जी के भी कह सकते हो क्लियर हुआ ऐसा समझ में आया ना तभी क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा तभी मॉलिक्यूल क्या होंगे अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे एक्साइट होंगे हाई एनर्जी में जाएंगे और मतलब बहुत सारे चेंजेस होंगे उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इज क्लियर नाउ ओके तो लास्ट रेट लगाएंगे बच्चों क्या प्रेशर तो मैं इसको हटा देता हूं अब हम एक और अफेक्टिंग फैक्टर देखते हैं प्रेशर बताइए प्रेशर में कैसे चेंज आएगा प्रेशर से कैसे चेंज आएगा किसमें रेट ऑफ रिएक्शन में बताइए ये जनरली हम किसमें ले रहे हैं गैस फेज में ठीक है किसमें ले रहे हैं गैस फेज में लेट अस सपोज मेरे पास सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर हैं ठीक है एक में जो है पिस्टन लगा हुआ है पिस्टन लगाना मतलब समझ रहे हो ना, उसको मैंने ऐसे अंदर पुश कर दिया है ऐसे करके तो उसका वॉल्यूम ऊपर लगा हुआ है ठीक है ऐसे करके। अब आपने क्या करा इसमें कोई रिएक्शन करनी है हमें क्या करनी है कोई रिएक्शन आपने उसमें सपोज कितने फाइव मोल्स डाल रखे किसके रिएक्टेंट के ठीक है इसमें भी क्या है फाइव मोल्स है किसके रिएक्टेंट के तो क्या होगा किस में रिएक्शन क्या लगता है पहली बात आप मुझे बताएंगे प्रेशर किसके साथ ज्यादा होगा किस वाले केस में ज्यादा प्रेशर होगा कहोगे सर जिसमें एरिया वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब उसमें प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा लेटेस्ट सपोज यहां भी कोई गैस भरी है ए और बी कौन सी गैस है ए प्लस बी और यहां पर भी वो गैस है कौन सी ए प्लस बी तो इनको मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया है मैं दोनों में रिएक्शन करना चाहता हूँ ए प्लस बी के साथ जिससे क्या फॉर्म होता है सी प्लस डी यस तो मुझे बताइए किस में फास्ट होगी रिएक्शन कहोगे सर रिएक्शन उसमें फास्ट होगी जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज क्या करेंगे एक दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ नेबर में मतलब नजदीक होंगी है ना जितना डिस्टेंस उनके बीच में कम होगा उतना जल्दी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे अब आप मुझे बताएंगे वही फाइव मोल्स मैंने क्या है इसमें रखे हैं बाद में मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है वही फाइव मोल क्या होगा इतने से पार्ट में आ गए हैं इतने से पार्ट में आने का मतलब समझ रहे हो ना गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था ना क्या था स्पेस वो क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा और इस वाले केस में स्पेस क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि यहां वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे वॉल्यूम कम है तो जहां पर वॉल्यूम कम होगा वो दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में जल्दी आएंगे में आ जाएंगे, एक से करेंगे और आने की प्रोबेबिलिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है कम है इट मींस दैट क्या समझ में आया आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों प्रेशर के किसके रेट ऑफ रियक्शन टू प्रेशर इट इज क्लियर चलिए तो मैं इसको लिख दू फिर अब, ठीक है? क्या होगा फॉर गैसियस रियक्टेंट ठीक है इसको हैं. तो देखिए अब मैं इसको लिख देता हूं और फिर आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों देखिए क्या लिखा है हमने द रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली इंक्रीजेस विद इनक्रीज प्रेशर ठीक है क्यों हो रहा है ऐसा दिस इज बिकॉज एट हाई प्रेशर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ रियक्टेड मोलिक्यूल इनक्रीजे जैसे मैंने आपको अभी समझाया क्या होगा जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं हैं रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के आ जाएंगे जाएंगी. और जितना नजदीक होंगी उनके आपस में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी बच्चों ठीक है तो क्या समझ में आया आपके रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रेशर के ठीक है क्लियर है तो देखा आपने तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता था वो मैंने आपको सारे समझाए डिटेल में समझाए उनकी थ्योरी भी लिखवाई और एक्सप्लेन भी कर दिए है समझ में आया तो आप इन सबको ऐसे नोट करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे हम लोग कौन सा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सॉरी रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ठीक है तो रेट लॉ जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा अभी तक तो जैसा भी चल रहा था लेकिन अब इससे आगे की जो कहानी है ना बच्चों टोटली बेस्ड ऑन रेट लॉ ठीक है अगर आपको रेट लॉ आएगा तो आपको पूरा चैप्टर आगे समझ में आएगा अगर आपको रिएक्शन का रेट लॉ लिखना ही नहीं आएगा रेट लॉ नहीं समझ पाओगे तो बच्चों फिर आपको ये चैप्टर भी समझ में आने वाला नहीं है इट इज क्लियर ना समझ में आया तो आप लोग इसके नोट्स बनाइए और फिर हम जल्दी ही जो है दूसरे लेक्चर्स में मिलते हैं